अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात कर रहे हैं कुछ किस्मत की। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आते तो हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि वो आते ही यूट्यूब पर छा जाता है और कोई सालों मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसको वो कामयाबी नहीं मिलती जो वो सोच कर आता है। तो आज हम एक ऐसी ही यूट्यूबर के बारे में बात कर रहे हैं जो आई और 4 से 5 महीने में ही वो अपने चैनल को यहाँ से यहाँ लेकर आ गई। मेहनत तो खैर हर यूट्यूबर ही करता है, लेकिन किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है और किस्मत ने उनका साथ दिया और वो इस तरह से कामयाब हो गई। हम बात कर रहे हैं लोधरा के एक गाँव में रहने वाली मुख्तियार बीबी की, जिनके चैनल का नाम है डेली रूटीन। और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से 90% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे इस चैनल के बारे में और फॉलो भी करते होंगे उनका चैनल। तो उनके चैनल पर उन्होंने वीडियो डाली थी कि उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि अपना ये चैनल हमें दे दो, मतलब कि उनको परेशान किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। किस लिए? चैनल के लिए, कि आप अपना ये यूट्यूब चैनल हमें दे दो। और उनके जो इलाके के जो कुछ ताकतवर लोग हैं वो और उनके अपने ही मुख्तियार बीबी के अपने ही कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ मिल गए हैं और वो जो है वो उनको धमकियां दे रहे हैं। इसकी वजह से वो अपने बेटे की वजह उनके लिए बहुत परेशान है, उसको घर से नहीं निकलने दे रही। लेकिन खैर उन्होंने इस बारे में वीडियो बनाई और फिर आवाम ने उनका साथ दिया और फिर लोधरा की पुलिस ने भी उनका साथ दिया, उनके घर आई, उनको यकीन दिलाया कि आप डरे नहीं, ये चैनल आपका है, आपने मेहनत की है, तो आपसे कोई भी आपकी चीज़ नहीं छीन सकता, नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। ज़ाहिर है मुख्तियार बीबी ने खुद वीडियोस बनाई हैं उनके बेटे ने और उन्होंने मिलके मेहनत की है और वो चैनल को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो उनकी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचा है। तो बात करते हैं कि आखिर उनके जो रिश्तेदार हैं या जो लोग भी उनसे चैनल मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? सबसे बड़ी वजह उनकी आमदनी। असल में ये चैनल बहुत ही जल्दी माशाल्लाह से ग्रो किया है और एकदम से ही इसके सब्सक्राइबर और उसके व्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे हो गए। तो उनके ज़ाहिर है जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ते हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो मुख्तियार बीबी ने जो है वो जब उनको इनकम मिलना शुरू हुई तो वो उन्होंने वीडियो भी बनाई कि हमें इतनी पेमेंट मिली और दूसरी पेमेंट मिली, तब भी उन्होंने वीडियो बनाई। तो क्योंकि मुख्तियार बीबी एक गरीब ख़ानदान से हैं, गरीब औरतें और गांव में रहती हैं, तो जब किसी गरीब के पास एकदम से किसी कहीं जगह से कोई पैसा आना शुरू हो जाए ना, तो आसपास वाले लोग और स्पेशली रिश्तेदार उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो यही उनके साथ भी हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो गरीब सी थी, इनके पास अचानक से तो आमदनी आने लग गई है, तो इनके हालात तो अच्छे होते जा रहे हैं, तो जनाब उनको हो गई है तकलीफ़ और हसद हो गया। उनको जलने वाले जो है ना वो सबसे पहले अपने रिश्तेदार ही होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी आमदनी को शो नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो अपनी वीडियोस बनाई, वैसे तो उन्होंने हर यूट्यूबर जो है वो जब पेमेंट लेकर आता है तो वीडियोस बनाता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं वो असल में ना एक दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करते। तो अगर शहर में कोई साथ वाला बंदा जितने भी कमा रहा है तो कोई परवाह नहीं होती किसी को, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, जैसे हम मेरे जैसे दूसरे गरीब लोग होते हैं ना, तो हम लोग अगर कहीं से कुछ अच्छा कमा लें या हमारे पास कहीं से कुछ पैसे आ जाए तो हमारे जो आसपास रहने वाले होते हैं ना, जो स्पेशली हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, तो उनको बहुत हसद होता है और उनके सीने में जो है ना वो जलन की आग भड़क उठती है। यही उनके साथ भी हुआ। तो उनको ये चाहिए कि अपनी इनकम की कभी भी वीडियो ना बनाएं। मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ 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 आइंदा से अपनी आमदनी की वीडियो मत बनाएं। आपकी अच्छी आमदनी आ रही है, आपकी मेहनत की कमाई है, वो आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन किसी को बताएं नहीं। एक तो नज़र लग जाती है, नज़र लगने का बहुत ख़तरा होता है, दूसरी बात ये कि हसद करने वाले जो है ना वो बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी जो कमाई है या जो अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई भी नेमत दी है या आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात हुई है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको किसी को बताएं मत। अल्लाह का शुक्र अदा करें, बेशक करें, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को,
ना बताएं, क्योंकि फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा, नज़र लग जाती है और लोग तो आप यहाँ तक देखें कि कत्ल की धमकियाँ तक देना शुरू हो जाते हैं। तो यही मैं उनको मशवरा दूंगी कि प्लीज़ आइंदा से अपनी पेमेंट के बारे में ना वीडियो बनाया करें। बाकी ये कि उनका चैनल आप लोग भी देख सकते हैं, उनका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और थैंक यू पिछली वीडियो जो मैंने बनाई उनके लिए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कमेंट पढ़ के मेरा इतना सारा खून बढ़ गया और इतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिली है, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।